हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। तो आज हम जो करेंगे पार्ट नंबर 5, चार पार्ट अब तक देख चुके हैं 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट। पार्ट नंबर 5 को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। अब हम आज करेंगे पार्ट नंबर ए, इसके बाद मैं लेके आऊंगा पार्ट नंबर बी। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें यहाँ पे एप्लीकेशन देखनी है डायमेंशन की। अब तक जितना भी डायमेंशन फॉर्मूला हमने पढ़ा, अब वो कहाँ पे यूज होगा वो हमें देखना है। क्योंकि जैसे कि आप कोई भी अल्फाबेट पढ़ते हो, जैसे कि आपको कोई कहे इंग्लिश सीखिए या कोई भी चीज़ है, आप किसी भी काम को सीखते हैं स्टार्टिंग में, तो सीखने के बाद उसका आप कहीं यूज़ तो करते हैं। कोई भी काम ले लीजिए, जैसे कि आपने इंग्लिश सीखने के लिए 26 लेटर सीखे, वो 26 लेटर्स के बाद आपने क्या किया, उनको अप्लाई किया, उनसे वर्ड बनाए, बना के देखे। वैसे ही आपने जो डायमेंशन फॉर्मूले बनाए थे, उन डायमेंशन फॉर्मूले का यूज कहाँ कहाँ होता है वो अप्लीकेशन आज हमें देखनी है। इसकी चार अप्लीकेशन है। अगर अब तक आपने अपने चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। लाइक, शेयर और कमेंट दबा के कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में, साथ में नोट्स की PDF चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में। चलिए, वो एक अलग मैटर है। अब स्टार्ट करते हैं डायमेंशन का अगला पार्ट, पार्ट नंबर 5A, अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। मैंने मटेरियल पहले इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं साथ साथ लिखता हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जो थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि इतनी लंबी वीडियो, इसलिए मैंने ये किया। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के एप्लीकेशन का मतलब यूज होता है। जो अब तक डायमेंशन फॉर्मूले हमने पढ़े थे पिछले वाले लेक्चर में, किसी बच्चे ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले होगी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन, यानी कि कोई भी रिलेशन है वो करेक्ट है या नहीं है वो डायमेंशन फॉर्मूला बता सकता है। जैसे कि आपने कोई भी रिलेशन पढ़ा होगा, वी इज इक्वल टू में यू प्लस में ए टी। अब ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं है, इसकी करेक्टनेस हम किसकी मदद से चेक कर सकते हैं? डायमेंशन की मदद से। तो हम इसका किस में यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे करेक्टनेस को बताने के लिए। टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी अभी मैंने बताया था आपको, तीन सिस्टम ऑफ यूनिट बताए थे, जैसे कि MKS बताया था, CGS बताया था, FPS बताया था, और SI सिस्टम तो MKS सिस्टम ही होता है। अगर कोई कहे MKS से CGS में कन्वर्ट करो, तो पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है कि आपके पास ये लेंथ कितनी है? आप कहोगे कि सर ये 10 सेंटीमीटर है। मैं कहूँ इसको मीटर में बनाओ, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो वो जो कन्वर्ट है वो डायमेंशन की मदद से कर सकते हैं। पूछ सकता है ना कोई भी, आपने ये मेजर की स्केल उठाया, यहाँ पे रख दिया, मुझे भी पता है, स्केल से आप देखोगे बता दोगे कि सर 10 सेंटीमीटर है। मैं कहूँगा नहीं बच्चे, इसको आप मीटर में बताओ। मैं कहूँगा आप इसको फुट में बताओ, तो आप कैसे करोगे? वो भी डायमेंशन फॉर्मूला ही करके बताता है आपको, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनके बीच रिलेशन। आप कभी भी, आपके बारे में कोई भी देखे, एक क्या होता है कि जैसे कि आपने पीछे वाले लेक्चर देखे, उसके बाद थोड़ा सा होता है माइंड में, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार में आपको कंप्लीट चीज़ें नहीं आती हैं, पहले थोड़ा सा आएगा, उसका रिविजन लोगे तो आप उसमें जो है 100% हो जाओगे। तो आप बहुत बार ये फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुनोगे। फिजिकल क्वांटिटी कौन है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, करंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलेशन हो गया, फोर्स हो गया, जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले आपने पढ़े सभी वो फिजिकल क्वांटिटी है। ये आपको तीन पढ़ाई जाती है, इन तीनों में आपका कवर हो जाता है बोर्ड लेवल तक, CBSE हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो वहाँ तक। बट जब बात आती है थोड़ा सा कम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट, IIT की बात करोगे या कोई भी ओलंपियड हो वहाँ पे बात करते हो, तो एक अलग होती है टू चेंज द फंडामेंटल यूनिट, यानी कि हम उसकी फंडामेंटल यूनिट ही चेंज करते। जैसे कि हमने पहले क्या किया था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने ली थी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पढ़े हैं कितने, 26 इंग्लिश के लेटर पढ़े हैं, फिर मैं क्या करता हूँ, आपने ये 26 ही पढ़े हैं, मैं क्या करता हूँ अपनी तरफ से कुछ और लेटर बना देता हूँ, 5-7 और लेटर बना दिए, 5 या 7 और नए लेटर बना के फिर मैं पूछूँ अब इनसे बनाइए, वैसा ही काम यहाँ पे होता है। आपने 7 फंडामेंटल पढ़ी थी ना, मैं अलग से अपना एक सिस्टम बना दूंगा, जैसे कि ये तो किसी ने दे रखा है, पूरे जो है साइंटिस्ट ने दिया था, बट मैं अपना बना लूंगा और अपना फंडामेंटल सिस्टम बना के उसके बाद मैं कहूंगा कि अब आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर दीजिए। तो टू चेंज द फंडामेंटल यूनिट वो भी होता है। ये रेड से इसलिए लिखा है, इसको हम करेंगे, इस पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं कंपिटिटिव एग्जाम में, वो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन, ये है पहले वाला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन, कोई भी जो रिलेशन है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है, करेक्टनेस के बारे में आपको पढ़ना है, तो आपको क्या पता करना होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर आपकी कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि अभी भी मैंने इक्वेशन बताई थी, v इज इक्वल टू मै यू प्लस में ए इंटू टी, ये एक इक्वेशन होती है, आपने 9th 10th में भी पढ़ रखी होगी ये इक्वेशन, ये होगी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे यहाँ पे v का, वो डायमेंशन फॉर्मूला इस u के बराबर होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए इसके at के डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर। यानी कि अगर इसके पास तीन क्वांटिटी है, बीच में प्लस का साइन आगा, तो आप ये मत सोचना कि इन दोनों को प्लस करोगे, नहीं, यहां पे भी जो है इक्वल टू का साइन आना चाहिए। मतलब इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखा था, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इन तीनों का इक्वल होना चाहिए, उसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं और उसी से हम इसकी करेक्टनेस को चेक करेंगे। अब देखिए क्या बोलता है इसकी डेफिनेशन, गिवन इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट, जो हमारी इक्वेशन होगी वो डायमेंशनली करेक्ट होगी इफ डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर जो है सेम, दोनों साइड, जैसे कि अभी बताया v इज इक्वल टू मै यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होगी जब इसके दोनों साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उनके डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इफ डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम होने चाहिए, ये होगा। अब इसका पहला एग्जांपल लेके चलते हैं, हम यहीं पे यही एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कोई पूछ ले टू चेक द करेक्टनेस ऑफ आपको बोल दे v इज इक्वल टू मै यू प्लस में at, इसकी करेक्टनेस बताइए, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि v पहले लिखोगे ऐसे, मैं बता रहा हूं स्टेप बाय, फर्स्ट स्टेप में तीनों को इक्वेट करोगे u और इक्वल टू में a और t, ठीक है, आपको पता होना चाहिए v यहां पे वेलोसिटी है, u भी यहां पे वेलोसिटी है, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, जब आपने रिलेशन पढ़ा था, आपको ये रिलेशन पढ़ा जाता है पीछे वाली क्लासेस में, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन ये होता है, ठीक है, ये होता है वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम स्टूडेंट, ठीक है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे प्लस का तो यहाँ प्लस नहीं लगाना, इक्वल करना। अब आपको बताया कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे, 7 तो फंडामेंटल प्लस में 3 डायमेंशन फॉर्मूले और आपको याद होनी चाहिए, उसमें वेलोसिटी का भी था, वेलोसिटी का होता है LT-1, अगर किसी को बच्चे को नहीं आ रहा तो मैं बता दूं वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस को हम एल से लिखते हैं, टाइम को हम टी से लिखते हैं, इसलिए एल टी माइनस वन होगा, ये रहा, इक्वल टू में यू, यू भी तो वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाने से डायमेंशन फॉर्मूला अलग नहीं होता, सेम रहता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैंने याद करने के लिए कहा था, अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का निकाला था, रख दीजिए एल टी माइनस टी डिवाइड बाय टी की पावर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, एक वन माइनस का ये एक ये, तो यहां पे लिखेंगे एल टी माइनस टू और इसके साथ में कौन है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी होता है, इसकी पावर वन। आप देखिए एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू में एल, तो एल टी माइनस टू में से एक गया टी माइनस वन, आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में प्रत्येक का क्या है डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इस साइड है उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन, इस साइड का भी डायमेंशन एल टी माइनस वन, यहाँ का भी एल टी माइनस वन, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो ये इक्वेशन क्या बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लिखोगे नीचे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, उसमें कुछ मैं एक खास बात भी आपको बताऊंगा जो अगला एग्जाम्पल होगा, साथ साथ देखते रहिए। अब हमें किसकी करेक्टनेस चेक करनी है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ ऑफ एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया जाता है 9th क्लास में जब इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ाया जाता है, ये आपके आगे तो आएंगे जब आप 11th क्लास की सेकेंड यूनिट पढ़ोगे तो ये सारे फार्मूले आएंगे, बट आपने अभी सेकेंड यूनिट पढ़ी नहीं है इसलिए मैं आपको वहां से जो है थोड़ा सा मेमोराइज करवा रहा हूँ पीछे से, वरना आगे आएंगे जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम में जाने की जरूरत नहीं है, सेकेंड यूनिट जब पढ़ोगे सारे फॉर्मूले आएंगे। अब देखिए ऑफ एस इज इक्वल टू मी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस यहाँ पे कौन है, एस यहाँ पे है डिस्टेंस, अभी अभी बताया था यू क्या होती है वेलोसिटी, बस इसका इनिशियल नाम दे दिया, टी कौन होता है इसका टाइम होता है, ए कौन होती है इसकी एक्सेलरेशन होती है, टी फिर से टाइम, ये हो गया। अब तीनों को इक्वेट कीजिए, एस इज इक्वल टू मै यू टी मैंने अभी बताया था इज इक्वल टू मै हाफ टी का स्क्वायर, ये होगा। अब एस
एस कौन है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला एल, पहले बता रखा है डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, एल होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन, बताया था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मल्टीप्लाई बाय में इसके टी की पावर वन प्लस वन रहा, इज इक्वल टू में मैंने बताया था कोई भी नंबर हो, जब मैंने डायमेंशन फॉर्मूले में बताया था कोई भी नंबर हो या कोई पाई हो या कोस थीटा साइन थीटा टेन थीटा कोसिकेंट थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सब डायमेंशन लेस होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, यहां पे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन का अभी अभी निकालना सिखाया एल टी माइनस टू, ये निकालना सिखाया। टाइम का करोगे टी का स्क्वेयर हो जाएगा, अब इससे ये कैंसिल आउट, टी माइनस टू प्लस टू है, ये प्लस वन ये माइनस वन कैंसिल आउट, तो एल इज इक्वल टू में एल इज इक्वल टू में एल, ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो कह सकते हैं कि अबो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये हो गया हमारा इसका चेकिंग। अगर मैं आपको ये बोलूं, अब मैं इस इक्वेशन को ये लिख रहा हूं बस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे मैं ये हटा देता हूं, ये हटा दिया तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एल हो गया एल टी माइनस वन टी की पावर वन, एल टी माइनस टू टी की पावर टू, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, तो एल इजिकल टू मै एल, ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है, पर ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे खास बात आ गई कि ये जो फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं फिजिक्स में, एस इजिकल टू में यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला गलत है, पर ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं क्या बता रहा हूं, ये फॉर्मूला गलत है, बगैर डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए तो डायमेंशनली करेक्ट है ये, तो हम कह सकते हैं दिस इज द डायमेंशनली करेक्ट बट फॉर्मूला इज रॉन्ग। तो ये था हमारा एफए। ऐसे आप बहुत से एग्जांपल देख सकते हो, कुछ एग्जांपल आप घर से भी ट्राई कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने एग्जांपल कोई भी देखा वी स्क्वायर इज इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में टू ए एस, ये खुद आपको करके देखना, जब आप देखोगे तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसको चेक करना इसकी करेक्टनेस को। तो ये था सिंपल सी पहली इक्वेशन, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये आपको मुश्किल लगती है थोड़ी सी इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर जो इसकी एप्लीकेशन सेकंड होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं कन्वर्ट करते हैं टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी, ये इक्वेशन है इक्वेशन मतलब एप्लीकेशन नंबर सेकंड, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक टर्म से दूसरे टर्म में हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है। अब मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी है, जैसे अल्फाबेट में इंग्लिश के लेटर बहुत सारे होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है बहुत सारी है, तो हम क्या करते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी को जो हमने फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया है इसका एक फार्मूला बना देते हैं, क्या वो इज इक्वल टू में एन इंटू यू। अगर मैं कहूं लेंथ, अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करवाऊं कि ये लेंथ बताइए आप कितनी है, तो आप क्या कहोगे जी ये 10 सेंटीमीटर है, यही कहोगे आप। तो ये क्या कौन हो गया, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, एन कौन हो गया, ये वाला मैग्नीट्यूड, एन कौन है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया, ये वाला जो 10 है लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने अभी भी बता दिया लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, लेंथ क्या है एक फिजिकल क्वांटिटी, इससे सिमिलरिटी बनाएंगे हम, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी ये लिख दिया, जिसको क्या उसे डिनोट किया। अब 10 कौन काम कर रहा है मैग्नीट्यूड, ये रहा, और ये कौन है इसकी 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है इसकी यूनिट है इसकी, तो ये यू किसका काम करेगा यूनिट का काम करेगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, क्या इज इक्वल टू में एन इंटू यू, क्या वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, एन हमारा मैग्नीट्यूड और यू हमारी क्या है यूनिट है, समझ गए इतनी बात। इसके बाद नेक्स्ट देखिए मैं आपको क्या बताता हूं, नेक्स्ट में जब आप चलोगे तो मैं आपको अब इस रिलेशन को मैं जनरलाइज करूंगा, इस रिलेशन को मैं जनरलाइज कर देता हूं। मान लिया जाए एक सिस्टम से हमें दूसरे सिस्टम में जाना है, मैं मान लेता हूं कि हमें जाना है एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना, हमें कोई ऐसा बोल रहा है कि आपके पास एमकेएस सिस्टम में दिया हुआ है कोई चीज, उसको आपको सीजीएस सिस्टम में बदलनी है, तो कैसे बदलोगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला सिखाता हूं, उसी के बाद देखिए हम क्या कहेंगे, इस सिस्टम को पहला मान लेते हैं, पहला सिस्टम एन वन यू वन इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा दूसरे सिस्टम में एन टू यू टू, जिसको हमने क्या कह दिया सीजीएस कह दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, जो U1 है ये U1 है, यहां पे फार्मूला डिराइव कर रहे हैं हम, U1 को मैं क्या मान लेता हूं
MLT, क्योंकि इन्हीं तीनों चीज में लेते हैं। जब भी कोई आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो एम एल और टी की टर्म में लिखते हैं। आपने पीछे देखे थे सारे डायमेंशन फॉर्मूला एम एल और टी की टर्म में थे। मैं इसकी पावर ए मान लेता हूं, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। इसी प्रकार मैं यू टू को मान लेता हूं, ये एम वन 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 था पहले के लिए, एम टू एल टू टी टू, ए बी और सी पावर हो गए। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। देखिए एन वन M1, L1, T1, A, B, C। इसी प्रकार N2, M2, L2, T2, A, B, C। मुझे किसकी N2 की वैल्यू निकालनी है, क्यों निकालनी है, क्योंकि मुझे MKS में तो अगला दे रहा है, हमें किस में निकालनी है, CGS में निकालनी है, मुझे इस सिस्टम से इसमें जाना है तो मुझे N2 की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे N2 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा, इस क्वांटिटी को नीचे लेके आऊंगा, इसके इसके नीचे एन वन हो जाएगा, क्या फार्मूला, फार्मूला हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाय M2, ये रहा, और इसकी पावर A। सिमिलरली L1 डिवाइडेड बाय L2, इसकी पावर C, B, और इसी प्रकार T1 डिवाइडेड बाय T2, इसकी पावर C। ये आ गया अपना जनरल फार्मूला। N2 किसे मानेंगे, जिस सिस्टम में जाएंगे, MKS सिस्टम से CGS में गए तो CGS को N2 वाला मानेंगे, जिस सिस्टम में जाना। अगर कोई कहे कि CGS सिस्टम से MKS में जाओ तो N2 U2 का काम MKS करने लग जाएगा, ठीक है, समझा रही ना बात। CGS से कोई बोले कि MKS में आओ तो उल्टा कर देंगे हम, यहां पे N2 U2, यहां पे N1 U1। अब हम क्या कर रहे हैं, MKS से CGS में जा रहे हैं, ठीक है। तो N2 के फॉर्मूला ये आ गया, मैं इसको साफ करके यहां पे N2 का फॉर्मूला आपको यहां पे लिख देता हूं, काम आएगा, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको फार्मूले को। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू वन न्यूटन। अब वन न्यूटन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना, डाइन में, ठीक है, डाइन में कन्वर्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिट है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आपको पता होना चाहिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अगर आप MKS सिस्टम में बोलोगे तो न्यूटन, CGS सिस्टम में बोलोगे तो डाइन। ये किस में होती है, MKS सिस्टम में, ये किस में होती है, CGS सिस्टम में होती है, ठीक है। तो मैं एक तरफ तो लिख लेता हूं MKS सिस्टम, दूसरी तरफ लेता हूं CGS सिस्टम। ये स्टेप बाय स्टेप, पहला काम जब भी क्वेश्चन मिले इससे इसमें जाना है तो ये सिस्टम MKS है, ये CGS है, ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन जो होती है वो MKS में होती है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम लिख लीजिए, यहाँ पे सेकंड। मैं मानता हूं कि आपको नहीं पता, मैं इसको फर्स्ट सिस्टम मान लूंगा, इसको सेकंड सिस्टम। जिस सिस्टम में जाना उसको सेकंड, हमें किस में जाना है, डाइन में जाना, तो यहाँ पे सेकंड लिखूंगा मैं इसको, हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो एन वन है, वन न्यूटन, देखिए वन न्यूटन मैंने अभी भी बताया था, ये क्या होगा एन, ये होगा यू, यूनिट होगी न्यूटन और एन मैग्नीट्यूड है वो वन है, तो इसकी वैल्यू वन होगी। N2 की वैल्यू हमें पता नहीं, वो हमें निकालनी है, यही तो पूछ रहा है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, वो हमें निकालना है। अब आ जाओ M1, जब आप M1 की बात करते हो तो मास, M1 मास, मास हमेशा किस में होता है, किलोग्राम में होता है, और एक किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर, ये खुद से सोचना है। देखिए यहां पर क्या होगा, एक किलोग्राम, और एक किलोग्राम कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये आपको पता ना कि एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार क्या होगा, L1 होगा। अब L1 का आपको पता होना चाहिए, जो L1 है उसकी यूनिट कौन है, मीटर, देख ले MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, बताया था ये, एक मीटर, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तीसरा T1 हम बात करेंगे 1 सेकेंड, क्योंकि ये सेकंड सेकंड में ही होता है, यहां पे कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि जो टाइम है वो हमेशा सेकंड में ही रहता है, ये हो गया। अब यहां पे M2, M2 की वैल्यू कितनी, 1 ग्राम, ठीक है ना, ये 1 किलोग्राम था ना, 1000 ग्राम, क्योंकि हमें CGS में जाना है इसलिए हमने 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया, CGS में जा रहे हैं इसलिए। इसी प्रकार L2, L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार T2 की वैल्यू सेकेंड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पे भी सेकेंड होती है, यहां पे भी, देखिए MKS में भी सेकेंड, CGS में, टाइम की यूनिट कभी चेंज नहीं होती है, ये आ गए। अब ये सारी चीज उठा के यहां फार्मूले में पुट करनी है, M1 by M2, L1 by L2, T1 by T2, इनमें पुट करनी, और हमें कुछ भी नहीं करना, मैं इस तरफ से साफ कर देता हूं, ये हमने कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे, N2 is equal to मैं N1, M1 by मैं M2 की पावर A, L1 by मैं L2 की पावर B,
T1 by T2 की पावर C, ठीक है। ये जो नेक्स्ट एप्लीकेशन दो बच गई, ये हम नेक्स्ट पार्ट बी में करेंगे, पार्ट ए कर रहे हैं। अब देखिए ये किसका फार्मूला था, हमारे पास फोर्स का फार्मूला था। किसका था? फोर्स का। हमें आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला ये फोर्स है, आप यूनिट देखिए ना, न्यूटन। न्यूटन हमेशा किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। तभी तो जब हम डायमेंशन पढ़े हैं, इससे पहले वाले लेक्चर था उसमें आपको यूनिट भी बताई जाती है, डायमेंशन भी बताया जाता है और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी सब बताया जाता है ताकि आप इजिली कर सको। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? MLT-2 डायमेंशन फॉर्मूला पता होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू मैं मास इंटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन का अभी पीछे निकालना इसका था LT-2 इंटू एम, इसका LT-2 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कंपेयर कीजिए, एम की पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, यही लिया था ना हमने स्टार्टिंग में, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। तो एम की पावर ए यहां पे वन है, यहां पे वन है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? वन, पता चल रहा ना। तो कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइंड, न्यूटन हमें पता चला फोर्स की यूनिट है, हम फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम यहां पे लिखेंगे जो हमने ओरिजिनल लिया था जब आपको डिराइव करवा था, एम की पावर ए लिया था, एल की पावर बी, टी की पावर सी लिया था। तो यहां कंपेयर करो दोनों को, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 1, ए 1, बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू भी हो जाएगी 1, और सी की वैल्यू कितनी होगी? -2। कंपेयर कर लिया हमने इन दोनों को, ये भी फोर्स है, दोनों को कंपेयर कर लिया, ये ओरिजिनल था, ये हमने बनाया था जो डायमेंशन फॉर्मूला वो हो गया। देखिए अब पुट करते हैं, हम N2 इज इक्वल टू मैं N1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, ये रख दिया। अब M1 की वैल्यू कितनी? 1000 ग्राम, और M2 की कितनी? 1 ग्राम। ऊपर लिखेंगे हम 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय में 1 ग्राम, ऊपर ए पावर ए, ए पावर में कौन है? 1। अब L1 बाय L2 की वैल्यू, L1 है 100 सेंटीमीटर और L2 कितना? 1 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हम 100 डिवाइडेड बाय में 1, और B की पावर कितनी है? 1 है। अब चलते T1 बाय T2, T1 बाय T2 में यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड है, तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा? 1 सेकंड, इसको भी 1 सेकंड, और यहाँ पे C की पावर कितनी? ये C की पावर है -2 के बराबर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए N2 इज इक्वल टू मैं, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय में 100 की पावर 1 कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय में सेकंड से सेकंड कैंसिल, इसकी पावर -2 1 ही होता है। 1 की पावर चाहे 3 करो, चाहे 4 करो, या -3 करो, या -4, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ये क्या होता है? 1 ही होता है। अब 3 पावर ये, 2 ये, तो कितना बचेगा? 10^5। तो N2 कितना आ गया? 10^5 डाइन आ गया, ये निकला N2 इज इक्वल टू 10^5 डाइन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10^5 डाइन के बराबर होता है। ये आ गया हमारा रिजल्ट। किया क्या? कुछ भी नहीं किया, इसके एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में यूनिट निकाली, हमें पता चला ये फोर्स है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, फोर्स एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, इसको कंपेयर करके ए बी सी निकाले, सबकी वैल्यू उसमें पुट करी, आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ऐसा है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और करेंगे इसमें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। चलिए जल्दी से आप वो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहीं पे रहने देते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 60 जूल। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। 60 जूल पर मिनट क्या होती है स्टूडेंट? पावर होती है, आपको पता होने चाहिए। जूल पर मिनट, वर्क बाय टाइम, पावर। डायमेंशन फॉर्मूला जब पढ़ते हो, वर्क अपॉन में टाइम क्या होती है? पावर। ऑन द सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज बेस यूनिट एज बेस, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जूल पर मिनट को किसमें बदलना, हमें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन द सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज अ बेस। अब आप एक बात सोच के देखिए, ग्राम और सेंटीमीटर किसमें होते हैं? सीजीएस में होते हैं। किसमें होते हैं? सीजीएस में होते हैं, मतलब ये पहले वाला सिस्टम हमेशा एमकेएस में रहा होगा। इन्होंने ये बोल रखा है कि हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में मास को ग्राम में लिया है, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को 1 मिनट में, तो उस सिस्टम के अंदर 60 जूल पर मिनट की क्या वैल्यू रहेगी? जो हमारा 60 जूल पर मिनट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, ये वैल्यू पूछ रहा है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे N1 और M1 की वैल्यू। M1 आपके पास कितना होगा, M1 जो हम लेंगे M1 M2 ऐसे ही निकालेंगे। सबसे पहले आप लेंगे M1, M1 वही 1 kg और 1 kg को 1000 ग्राम लोगे। L1 आप कितना लोगे, 1 meter जो कि 100 centimeter, और T1 को आप लोगे 1 second, क्योंकि टाइम हमेशा किसमें होता है, सेकेंड के अंदर होता है। N1 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है ना, 1 हमने मान ली। N2 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये सारा CGS सिस्टम में है। उसी प्रकार M2 कितना, अब आप इसको 1 ग्राम ले मत लिखिए क्योंकि यहाँ पे गिवन है, मैं यही समझाना चाह रहा था। पहले वाले सिस्टम में हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं था, यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि जो हम दूसरे सिस्टम में बदल रहे हैं जो कि CGS सिस्टम है, वहां पे मास कितना है, 100 ग्राम है ये बोल रहा वो, और लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। टाइम कितना है, 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। अभी भी बताया मैंने, यहाँ पे जब हम यूनिट देखते हैं, आप कहोगे सर आपको पावर कैसे पता चली कि ये पावर है, तो मैं बताऊंगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसलिए पता चली क्योंकि यहाँ पे लिखा जूल पर मिनट, और पावर का फार्मूला होता है W/T, और W वर्क होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट होती है मिनट, इसलिए मुझे पता चला कि ये पावर है। ये सब छोटी छोटी बातें याद आप रखोगे तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा, इस क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। अब देखिए वर्क की, अभी अभी मैंने बताया था वर्क जो होता है वो कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। वर्क, ये आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं निकालना सिखा रहा हूं, आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ML2T-2, फोर्स का ML T-2 मल्टीप्लाई बाय मैं S, कितना हो गया, L2, तो T नीचे, ये कितना हो जाएगा, ML2T^-3। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फार्मूला ML T-2 गुणा में डिस्प्लेसमेंट L, तो L इंटू L स्क्वायर डिवाइड बाय में T, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ML2T-3। इसको कंपेयर करेंगे वैसे ही MA LB TC, A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू 2 आ गई, C की वैल्यू -3, C की वैल्यू -3, B की वैल्यू 2, A की वैल्यू 1, कंपेयर कर लिया। अब फार्मूले में पुट कीजिए, अब करेंगे फार्मूले में पुट, देखिए N2 is equal to, मैं N1 की वैल्यू 1 ये रख दी, M1 1000 ग्राम बाय 100 ग्राम, 1000 ग्राम बाय 100 ग्राम, और A की पावर कितनी है, 1 यहां पे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, L1 बाय L2, 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 100 100 हमारे पास सेंटीमीटर होगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 100, इसकी पावर कितनी होगी, 2, क्योंकि हमारे पास B की वैल्यू 2 आई है। तीसरा टाइम, 1 बाय में 60 सेकेंड दे रखा, T1 की वैल्यू 1, T2 की वैल्यू 60 सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है 1 मिनट, इसलिए 60 सेकेंड लिखी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बाय में 60 और इसकी पावर -3, C की पावर क्या है, -3 है। अब देखिए 10 से कैंसिल, 10 बच गया, ठीक है, या 100 से 100 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ पे कितना होगा, 1 बाय में 60 इसकी पावर -3 के बराबर हो जाएगा। अब इसको पूरे को सोल्व कर लीजिए, इस पूरे को सोल्व कर लीजिए, कैसे करोगे, 10 2 1 बाय में 60 ये होगा इसकी पावर -3, इसको ऊपर लेके आओगे तो आप इसको पूरे को सोल्व कर सकते हो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.16 × 10⁶, 2.16 मल्टीप्लाई बाय में 10⁶ के बराबर हो जाएगी, तो ये इसका N2 आ जाएगा। तो 60 जूल पर मिनट किसके बराबर है, 2.16 × 10⁶ के बराबर है। तो ऐसे आप इसको निकालोगे जब ये वैल्यू दी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।